हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के तहत 104 प्रश्न से देखने वाले हैं। और जो भी कैंडिडेट यदि बैक टू बैक इन वीडियो लेक्चर को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप बैक टू बैक सभी वीडियोज़ को अटेंड कीजिए, क्योंकि इस सीरीज के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के लाया जा रहा है। प्रश्न है, समय खाली स्थान का एक माप है। ऑप्शन वेग, भार, गति की मात्रा, द्रव्यमान। तो समय की बात करते हैं, मोमेंटम यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये किसका मापक है? द्रव्यमान का। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। अब बैटरियों में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। कई बार इसके 4 सूत्र भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, दांत किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है आगे का, तो आगे का लाइट भी अवतल दर्पण का ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, VIBGYOR बाइग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे? ध्वनि से, ऊर्जा से, गति से, प्रकाश से। तो जो बयानी हा पिनाला जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, बयानी हा पिनाला, उसी को यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में लिखा गया है। तो ये किससे संबंधित रखता है? तो ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, जिसमें कि 7 कलर होते हैं। एक बार चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को रिकॉल करा देता हूँ मैं। हम लोग को याद करना क्या चाहिए? बयानी हा पिनाला। ये बार बार प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के समझ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो बयानी हा पिनाला, ये 7 रंगों का स्पेक्ट्रम है। जब हम किसी प्रिज्म से श्वेत रंग को गुजारते हैं, तो वो 7 रंगों में विभेदित हो जाता है। और वो कौन से रंग में? यही बयानी हा पिनाला में। जब हम लोग इधर जाते हैं बयानी हा पिनाला की तरफ से, तो इसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वह बढ़ता है और बाद बाकी सब घटता है। यानी कि इसके अपोजिट साइड हम लोग देखें तो इधर बढ़ेगा क्या चीज? फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा, प्रकीर्णन, विक्षेपण, सभी इधर से वृद्धि होगी। यानी कि सबसे कम विक्षेपण आवृत्ति किसका होगा? लाल रंग का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? बैंगनी रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा? लाल रंग का। नेक्स्ट प्रश्न है, एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है, और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। उच्च ताप को पायरोमीटर, जैसे कि सूर्य का तापमान, एसी को पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। देखिए, सूत्र से भी बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार डायरेक्टली छोटे छोटे सूत्र बेस्ड पर आप लोगों का प्रश्न भी बन जाएगा। तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को फिजिक्स के सूत्र भी वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्थितिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या चीज हो जाता है? MGH। MGH मसाला याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा MGH, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का क्या चीज हो जाता है? हाफ MV स्क्वायर। फोर्स का क्या चीज हो जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है? वी माइनस यू बट्टा में टी। संवेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो कि आप लोग को याद कर लेना है। जैसे कि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर का, तो पावर का क्या चीज़ हो जाता है? वर्क बाय टाइम, प्रेशर का फोर्स बट्टा में एरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रा की इकाई है? तो कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा और ऊर्जा की। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई ओम है। क्या चीज? विद्युत धारा का एम्पियर, विभव विभवांतर का वोल्ट, और प्रतिरोधकता बोल देता। प्रतिरोध रेसिस्टेंस का होता है ओम, और प्रतिरोधकता यदि इसमें आ जाता है यानी कि रेसिस्टिविटी का, तो उसका हो जाता है ओम इनटू मीटर। और ओम का अपोजिट बात करते हैं प्रति ओम, तो ये प्रति ओम किसका हो जाता है? ये चालकता का हो जाता है, कंडक्टेंस का, चालकता का। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का हो जाता है पर ओम और पर मीटर, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया, तो उत्प्लावन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये आर्किमिडीज के द्वारा। वही जो द्रव में जब किसी वस्तु को डुबाते हैं, तो वह कुछ आभासी भार को यानी कि डुबाते हैं पानी में, तो वो हल्का महसूस होता है। वो कितना हल्का महसूस होता है? तो जितना उसके द्वारा, जैसे कि कोई मान लिया जाए कि ये कुआं है, इसमें हम लोग कोई सॉलिड पार्ट को डुबाएं, तो ये सॉलिड पार्ट जितना एरिया को कवर करता है, उस एरिया में जितना पानी आता है, उस पानी का जितना वेट होता है, भार होता है, उतना ही वह आभासी व्यतीत करता है। यानी कि
उतना कम वजन को वो अनुभव करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रॉकेट किसके संरचन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है जो कि वह रेखीय समय संरचन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग के परिवर्तन के दर के, सिर्फ संवेग के परिवर्तन के दर के, ना कि बल और सिर्फ संवेग में परिवर्तन के दर के से संबंधित रखता है न्यूटन का दूसरा नियम। कैसे हम लोग समझे, न्यूटन का पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक यानी कि उसका फॉर्मूला मिलता है, और बल की प्रकृति तीसरे नियम से मिलती है। तो बल का क्या चीज़ आता है, एम ए। तो एम को हम लोग, ए को अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, वी माइनस यू बट्टा में टी। तो इसका कैसे हो जाता है, एम भी जब हम लोग एम दोनों में गुना कर देते हैं तो एम यू बट्टा में टी। देखिए, संवेग में परिवर्तन की दर, इसको हम लोग पी वन मान सकते हैं, इसको हम लोग पी टू मान सकते हैं, क्योंकि पी का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो वही पी वन यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर जहाँ पे वर्ड आ गया, समझिए कि समय से वहाँ पे भाग दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो धर्म की यूनिट क्या है? तो रेडियो धर्म की यूनिट क्यूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है तांबा, लकड़ी, रबड़, शुद्ध जल। तो विद्युत का सुचालक बात करते हैं, विद्युत का सुचालक कौन चाहिए, तांबा, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर किस कारण दिन रात होती है? घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है? विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वह किससे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन से। किससे, इलेक्ट्रॉन से। और हाँ, ये बहुत इससे जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि यदि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की गति और विद्युत धारा की गति एक दूसरे के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन यदि इधर से गमन कर रहा है तो विद्युत धारा इधर से गमन करेगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। पास्कल किसकी इकाई है? तो प्रेशर, दाब का इकाई पास्कल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाता है कैंडेला। घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? तो घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप बात करते हैं क्या चीज़ होता है, वो पासर, वो कर्म होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें परिवर्तित होता है, तीरंदाजी और अंतरिक्षयान में। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तीरंदाजी। जैसे हम लोग अपने तरफ घिसते हैं, मान लिया जाए ये तीरंदाजी है, तो इसको हम लोग अपने तरफ घिसते हैं तो विपरीत प्रतिक्रिया के, जितना हम लोग पीछे दम लगाते हैं उससे दोगुना आगे प्रतिक्रिया करता है। तो उसी प्रकार अंतरिक्षयान में आप देखते होंगे, सबसे पहले वो नीचे जाता है, देन आफ्टर वो ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कच्चा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंधित है? देखिए, इसी प्रकार बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे फार्मूला बेस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वर्क बराबर क्या चीज़ आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? तो बात करते हैं यदि हम लोग अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की परछाई कैसी बनती है, वास्तविक और आभासी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य द्वारा ध्वनि का सर्वप्रास है, तो मनुष्य ध्वनि का कितने से कितने बीच का प्रास को सुनी सकता है, 20 से 20,000 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित होती है? वायुयान की बात करते हैं, ये हमारा पृथ्वी तल होता है और वायुयान यहाँ पर उड़ता है, इसमें वेग के साथ साथ इसमें हाइट होती है, और वेग के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है, और हाइट के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि बोध हो जाएगा। वही जब एरोप्लेन है जो कि वह ग्राउंड फ्लोर में उड़ती है, ग्राउंड फ्लोर में प्रारंभ स्थिति में रहती है, तो उस समय उसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा होता है क्योंकि हाइट उसमें जीरो होता है। उस समय परम शून्य ताप होता है, तो परम शून्य ताप सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 0 केल्विन, फ़ारेनहाइट में -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डाला हुआ सिक्का जो कि वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का कूलोम, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर।
सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? ओजोन मंडल। तो इससे भी संबंधित पहले के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को पूरा विश्लेषण पूर्वक इसका समझाया गया था कि किस प्रकार ये प्रभावित करता है हमारे को, CFC गैस है जो कि वह प्रभावित करती है इस ओजोन मंडल को। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल का वीडियो लेक्चर में आप लोगों को केमिस्ट्री के अब मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। फिजिक्स के ये है जो कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब आप लोगों को नेक्स्ट है केमिस्ट्री का दिया जाएगा, देन बैक टू बैक बायोलॉजी के, देन इस प्रकार तीनों का हो जाने के बाद आप लोगों को मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा।